नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ के नारियल लेकर चलने के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नारियल लेकर चलता हूं, कोई शैंपेन की बोतल तो लेके नहीं चलता। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने जो विकास के काम ठप कर दिए, उसे हमने फिर से शुरू किया। अब हम विकास के कार्य कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। जनता भगवान है हमारी, ये अहंकार कांग्रेस के नेताओं को मुबारक हो अकड़ के चलने का। मंदसौर नीमच की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत दी थी भारतीय जनता पार्टी को। केवल एक सीट हम 300 वोटों से हारे थे, बाकी सारी की सारी सीटें जीते थे। अब मैं तो दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं, और मुझे लगा कि मुझे जनता का धन्यवाद अदा करना चाहिए, तो मैंने तो शीश झुका के प्रणाम किया अपनी जनता को। रीवा में भी मैंने किया, एक नहीं लाख बार करूँगा, क्योंकि जनता ही हमारी भगवान है, उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है। हम कोई अहंकारी मुख्यमंत्री थोड़ी है। एक बार नहीं, लाखों बार जनता को शीश झुकाता हूँ, झुकाता रहूँगा, क्योंकि उसी जनता की सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है, हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे ही नारियल नहीं ले जाते। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप कर दिए थे, फिर से शुरू किए, और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे, अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है, अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है, और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। अरे नारियल पवित्रता का प्रतीक है, भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल सेवा का प्रतीक है, हम नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। दरअसल कमलनाथ ने कहा था कि सीएम शिवराज अपने साथ नारियल लेकर चलते हैं और जहाँ मौका मिलता है वहाँ इसे फोड़कर नई घोषणा कर देते हैं। दरअसल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान पहले एक जेब में नारियल रख कर घूमते थे और अब दोनों जेबों में नारियल रख कर घूम रहे हैं, जहां मौका मिला वहां नारियल फोड़कर एक नई घोषणा करते हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ ट्विटर के जरिए भी शिवराज सिंह पर हमलावर हैं। कमलनाथ ने शिवराज की मंच पर घुटनों के बल बैठने की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि यदि नेता जनता को झूठे शब्द बाग न दिखाए, झूठी घोषणाएं न करे, झूठे चुनावी नारियल न फोड़े, जनता से किए अपने हर वादे को वचन समझ पूरा करे, जनता को झूठे लच्छेदार भाषण परोसकर मूर्ख न समझे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। सभी दलों ने चुनाव में ताकत झोंक दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।